सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री अभी तक कवि कुमार आजाद यानी डॉक्टर हाथी की मौत के शोक से उभरे भी नहीं थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को फिर से सदमे में पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, फिल्म अब तक 56 के असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर रविशंकर आलोक की अचानक मौत हो गई है। खबरों के अनुसार रविशंकर आलोक ने आत्महत्या की है। रविशंकर आलोक ने अपनी रिहायशी बिल्डिंग से छलांग लगाकर जान दी। जानकारी के मुताबिक रविशंकर के पास पिछले एक साल से कोई काम नहीं था, इसके कारण वो खासा परेशान चल रहे थे। रविशंकर के भाई ने मीडिया को बताया कि वो डिप्रेशन में थे और अपने जीवन को लेकर काफी टेंशन ले रहे थे। रविशंकर आलोक की फिल्म अब तक 56 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल भी रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर रविशंकर आलोक की मौत के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री फिर सदमे में पहुंच गई है। फिल्म जगत से जुड़े कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए रविशंकर आलोक की मौत पर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।